नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल के अंदर। और आज अपने बात करने जा रहे हैं जो अपना कभी कभार क्या होता है, चालान कट जाता है, उस चालान को अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे चेक करें और उसका ऑनलाइन भुगतान कैसे करें, इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर गूगल खोल लीजिए और यहाँ पे लिखिए ई चालान राजस्थान, सर्च करिए। मैंने सर्च कर दिया, जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अपने पास एक वेबसाइट खुल जाएगी और इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पे ऑनलाइन का एक टैब है, इस टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे अपने पास तीन ऑप्शन है, चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल नंबर। जैसे आपके पास अगर चालान नंबर है, क्योंकि चालान कटते ही अपने पास क्या आता है, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, अगर चालान नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज अपने चालान को सर्च कर लेंगे डीएल नंबर से। डीएल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो अपने पास चालान की डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पास डीएल नंबर से, कई बार क्या होता है कि जब वो चालान काटने वाला अधिकारी होता है वो डीएल नंबर उसमें मेंशन नहीं करता, तो इस वजह से अपने को डीएल नंबर से चालान मिलता नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन है व्हीकल नंबर। तो यहाँ पे व्हीकल नंबर की डिटेल डालनी है अपने को। मैं मेरे मामले में मेरे व्हीकल की डिटेल डाल रहा हूँ, आप अपने व्हीकल की डिटेल डालेंगे इसमें। और लास्ट चेसी के 5 अंक डालने हैं आपको। आपको चेसी नंबर अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आरसी उस पे मिलेगा। तो मैं मेरे चेसी के जो गाड़ी की चेसी है उसके जो 5 डिजिट है वो डाल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। कैप्चा नोट मैच आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा डाल देते हैं और इसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह चालान की डिटेल आ जाएगी। इसके अंदर चालान प्रिंट का ऑप्शन है, रिसिप्ट का ऑप्शन है और पेमेंट का ऑप्शन है। देखिए, चालान प्रिंट का ऑप्शन तो अभी है, चालान प्रिंट कर सकते हैं, और रिसिप्ट तभी चालू होगा जब अपने पे कर देंगे। तो मैं पे कर रहा हूँ इसको। पे करने के लिए पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उस पर ओटीपी आएगा। तो मैं मेरे मामले में मेरा मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आप अपना डाल दीजिए। तो मेरे पास ओटीपी, कई कभी कभार ओटीपी आने में देरी कर देता है, लेकिन मेरे पास ओटीपी आ गया है। आप अपने मामले में अपना मोबाइल नंबर डाल के इस तरह ओटीपी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है वो मोबाइल नंबर आपका आरसी या चालान के साथ जुड़ा हो, कोई सा मोबाइल नंबर हो सकता है, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही अभी इनवैलिड ओटीपी बता दिया इसने। इसमें सबसे बड़ी परेशानी आती है ओटीपी के लिए, तो बड़ा ध्यानपूर्वक डालना है ओटीपी। मैं दोबारा ओटीपी डाल रहा हूँ, मेरे पास एक नया ओटीपी आ गया और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे अपने, आपके सामने पेमेंट गेटवे की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर पेमेंट ऑप्शन मांग रहा है कि ये ई ग्रास के माध्यम से होती है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इस आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इस पर चेकबॉक्स पे टिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अपने पास दोबारा कंटिन्यू का एक बड़ा बटन बना हुआ आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड या ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आप किससे पेमेंट करना चाहते हो। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उससे पेमेंट कर दीजिए। मैं मेरे चालान की पेमेंट डेबिट कार्ड से करूंगा। तो कौन से, किस माध्यम से करना चाहते हो, तो मैं SBI ईपे के माध्यम से करना चाहता हूं। आप PNB का भी गेटवे यूज कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये अलग आगे विंडो पे चला जाएगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। आपका एक GRN नंबर जनरेट होगा, आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपसे आपका कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो मैं मेरा कार्ड नंबर लगा रहा हूं, आप अपने मामले में अपना कार्ड नंबर लगाइए। उसके बाद एक इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है और UPI से भी पेमेंट कर सकते हो आप। तो मैं UPI से पेमेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने जैसे ही डेबिट कार्ड लगाया था ना तो इनवैलिड बता रहा था। तो जरूरी नहीं है, आपके पास UPI, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप चलाते हैं, तो यहाँ UPI QR पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा, उस क्यूआर कोड को आप किसी भी अपनी ऐप से फोन पे गूगल पे से स्कैन कर लेंगे और पेमेंट हो जाएगा। बड़े ही आसानी से, बहुत ही आसान प्रोसेस है ये, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मेरे पास अब जो मोबाइल में 1000 रुपए के लिए ये ऑप्शन मांग रहा है, मैंने पे कर रहा हूं इसको और ये मैंने पे कर दिया है मेरे मोबाइल से। और इसके बाद ये मेरे 1000 रुपए मेरे फोन से कट गए हैं और मेरे पास स्टेटस बता रहा है पेमेंट अपडेटेड सक्सेसफुल, और एक ये रिसिप्ट आ जाएगी। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कहीं भी, तो मैंने इसको मेरे कंप्यूटर में सेव कर रहा हूं। आप अपने मामले में अपनी रिसिप्ट को भी सेव कर लीजिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होके वापिस से जाएगा परिवहन विभाग की वेबसाइट पे, तो ये अब जा रहा है वहां पे। 5 सेकंड 3 सेकंड का समय, आप इस पे क्लिक करके भी जा सकते हो, लेकिन मैं इस टाइमिंग को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वापिस वहां चला गया और यहाँ पे दिखा रहा है चलान पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। ये मैं इसकी जो प्रिंट है उसको जनरेट कर रहा हूं और इसको सेव। ये अब एक एरर आ गया, ऐसा एरर आपके पास भी आ सकता है, तो मैं चाहता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं, ये बार बार एरर ही शो कर रहा है, तो मैं इसको इस तरह कंट्रोल पी जो कंप्यूटर की कमांड है उसके जरिए इसको मैं सेव कर रहा हूं। आप भी इस तरह सेव कर सकते हैं। और ये मेरा चलान का पेमेंट ऑनलाइन हो गया है। आप भी इस तरह अपने चलान का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, चलान को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं इसी तरह के इस चैनल पे वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।